और कल एलिजाबेथन पीरियड के राइटर के पार्ट फर्स्ट का भी जो है आपके पास भेजा गया, तो एक साथ बहुत वो सब भेज दे रहे हैं कि बाबू भेज देगा, ठीक है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर कौन सा है आपका? अच्छा ठीक, तो ठीक 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 बेटा, तो मिलता रहेगा। आज आप लोगों के यहाँ नेटवर्क सही है, हमारे यहाँ तो 2 दिन से बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब सही है। अब देखिए कब तक सही रहता है। आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है या स्पीड यहाँ कितनी है बेटा? यहाँ तो स्पीड सही है, हो सकता है आपके यहाँ गड़बड़ हो। हेलो, हाँ कभी कभी कृष्णा बोल रहे हो ना? गुड मॉर्निंग। कभी कभी जो है ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाती है भैया, क्या कीजिएगा। ये हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, आचार्य है। हाँ क्लास कोई एक सेंटेंस दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, नाउन क्लास है या फिर एडवर्ब क्लास है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज चर्चा होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले है क्या? देखिए द प्रोसेस ऑफ मैं लिख दे रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच into another one without changing the meaning. Without changing the meaning. यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करें, लेकिन शर्त यह है कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो मूल सेंटेंस का अर्थ है वही अर्थ है और भाव दूसरे सेंटेंस में होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल चेंज होती है लेकिन मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम सेंटेंस बड़ा छोटा सा लें कि किक्स फुटबॉल, ये किक्स फुटबॉल, वह फुटबॉल को लात मारता है, तो इसमें देखा गया तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इसको, यानी कि ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में, इसमें एक्टिव वॉइस में है। इसको हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फुटबॉल इज किक्ड बाय हिम, फुटबॉल इज किक्ड बाय हिम। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल चेंज टेक्स प्लेस, बट एज फॉर मीनिंग of the sentence is concerned, that remains unchanged. पहले सेंटेंस में है वह फुटबॉल को
लात मारता है, यही अर्थ दूसरा सेंटेंस भी दे रहा है कि फुटबॉल इज किक्ड बाय हिम, कि उसके द्वारा फुटबॉल को लात मारी जाती है। तो ये देखा गया कि एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया दूसरे सेंटेंस में, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य परिवर्तन। अब पहले ये देखा जाए कि वास्तव में कुल ट्रांसफॉर्मेशन के 8 प्रोसेस होते हैं, तो आज देखते हैं कितने प्रोसेस की चर्चा हो जाती है। तो पहला बेटा इसमें से आई नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो पहला स्टेप लेते हैं बाई रिमूविंग एडवर्ब टू, टू को जो है हटा करके, टू एडवर्ब इसलिए है कि टू के बाद कोई भी जो है शब्द आएगा तो वो या तो एडजेक्टिव आएगा, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब चूंकि एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा जो शब्द वही एडवर्ब होगा, और एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, तो टू हमेशा क्या होता है, एडवर्ब है। लेकिन टू के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि टू ऑलवेज गिव्स नेगेटिव सेंस, टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं, ऑलवेज गिव्स नेगेटिव सेंस, टू हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। टू का प्रयोग कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल हम ये लें कि ही इज टू गुड, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बोलते रहिए। हाँ जी, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए गलत है कि टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं, और जबकि गुड क्या है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो ये सेंटेंस गलत है। तो होना क्या चाहिए कि ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। अब ये सेंटेंस सही हो गया, इसलिए सही हो गया क्यों कि वह बहुत ही अच्छा है, और पहले सेंटेंस में ये अर्थ निकल रहा है कि वह इतना अच्छा है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो टू का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव में कभी भी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि द वेदर इज टू हॉट, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज टू कोल्ड, अब ये दोनों सेंटेंस आप बताएं सही है कि गलत है। ये दोनों सेंटेंस सही है क्यों कि द वेदर इज टू हॉट, मौसम इतना गर्म है जितना कि नहीं होना चाहिए, या इट इज टू कोल्ड, बेहद ठंड सर्दी है, यानी इतनी ज्यादा सर्दी है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो टू का मतलब होता है मोर देन वांटेड, टू मीन्स क्या, मोर देन व्हाट इज डिजायर्ड, जितनी इच्छा है उससे कहीं ज्यादा है। तो टू का एक और भी होता है रादर, भी हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तो उसमें ही किताब होता जो है सबने सब बेकार हो गई। तो पहली बात क्या है कि टू हमेशा एडवर्ब है, और एडवर्ब के बारे में ये कि टू हमेशा क्या अर्थ देता है, नकारात्मक भाव देता है। टू का प्रयोग कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं करते हैं, और टू मीन्स होता है मोर देन व्हाट इज डिजायर्ड,
जितना वांछित है उससे कहीं ज्यादा। या हम ये भी कह सकते हैं, टू का एक समानार्थी शब्द क्या है, रादर। सेंटेंस अगर हम ये कहें कि द टी इज रादर हॉट, चाय कहीं ज्यादा गर्म है, तो रादर की जगह पर आप चाहें तो टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, द टी इज रादर हॉट, चाय इतनी गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता है, या द टी इज टू हॉट दैट इट कैन नॉट बी शिप्ड। तो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि टू एडवर्ब का प्रयोग हमेशा किस सेंस में किया जाता है, नकारात्मक सेंस में। कभी भी इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में मत कीजिएगा। अगर नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दूँ से। बोलिए, जरा स्पीड देखते रहना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी की। नोट कर लिया हूँ, आवाज नहीं आ रही, नोट कर लिया हूँ तो फिर जो है मैं आगे बढ़ूं। अच्छी बात। अब किसी भी सेंटेंस को आप लें जिसमें टू का प्रयोग हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में जब टू का प्रयोग होता है तो उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि एडवर्ब टू के बाद क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। इसीलिए मैंने इसमें क्या लिखा, एड से ये समझ लीजिएगा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और फिर इसके बाद आएगा आपका ये मूल सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये क्या होगा, सिंपल होगा। स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टू के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव, फिर इसके बाद इन्फिनिटिव। सेंटेंस कैसे भी आ जाए, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, He is too weak to walk। देखिए इसमें क्या आया आपका, टू आया, फिर इसके बाद जो है एडजेक्टिव आया, और ये फिर आया क्या, इंफिनिटिव, राइट। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें तो टू को कन्वर्ट कर लीजिएगा इसमें सो, या फिर एज भी आप लिख सकते हैं, और इसके बाद होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब। फिर दैट के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि टू नेगेटिव अर्थ देता है इसलिए हम इसका कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में होगा तो कैन को किसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, कुड में, कुड नॉट, फिर इसके बाद जो है वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है। अब सेंटेंस इसी को ट्रांसफॉर्म कर ले तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। तो टू को आपने सो में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद एडजेक्टिव आया, और टू वर्क को आपने कन्वर्ट किया दैट, फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट इसलिए जो है प्रयोग करेंगे क्योंकि टू का अर्थ हमेशा नकारात्मक होता है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। दूसरा सेंटेंस उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, नोट किया हूं तो मैं मिटाऊं इसे। बोलते रहिए,
गया स्पीड सही है, देख लिया नोट कर लियो डियर, तो फिर मैं मिटाऊं इसे। फिर अगला सेंटेंस, सेंटेंस अगर एक और लें कि ही इज टू बिजी टू लिसन टू यू, ही इज टू बिजी टू लिसन टू यू, वह इतना व्यस्त है कि आपकी बात सुन नहीं सकता। इसको जरा कन्वर्ट करके आप बोल दें, हाँ ही इज सो बिजी, बिल्कुल सही है, दैट ही कैन नॉट लिसन टू यू, वेरी गुड, दैट ही कैन नॉट लिसन टू यू, राइट। सेंटेंस अगर ये हो जाता है कि ही वॉज सो इंटेलिजेंट ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट वन कैन नॉट सरपास हिम, वन कैन नॉट सरपास हिम। जरा इसको आप कन्वर्ट करें, है ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में, इसको आप सिंपल में कन्वर्ट कर लो, तो भाई सो की जगह पर क्या कर दें कि ही वॉज टू इंटेलिजेंट और दैट वन कैन नॉट, हाँ जी बोले, अब देखिए दैट वन कैन नॉट है ना, तो सो की जगह पर यहां पर नेगेटिव इंटेलिजेंट, क्योंकि पॉजिटिव सेंस दे रहा है इसलिए सो का प्रयोग यहां पर गलत होगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट दैट वन कैन नॉट सरपास हिम, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हो, वन कुड नॉट, ध्यान नहीं रहा, ओके। दूसरा सेंटेंस अगर हम लें, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मिटाएं से, द न्यूज इज too good to be true। अब इसको कन्वर्ट करें, आप बोलिए, द न्यूज इज टू को किसमें कन्वर्ट कर लें, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। एक सेंटेंस और लेते हैं, ही ड्रोव सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट, पुलिस कुड नॉट चेस हिम। इसको जरा कन्वर्ट करें, बोलिए तो
सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। बिल्कुल सही, ही ड्रोव टू फास्ट, यहां तक सही है आपने बोला। आगे बोलिए क्या है। अब यहां पर फॉर द पुलिस टू फॉर द पुलिस टू कैच राइट, ये दोनों सेंटेंस थोड़ा सा, ही ड्रोव सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट चेस हिम, कि वह इतना तेज गाड़ी चलाया कि पुलिस उसका पीछा नहीं कर सकी, तो ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच राइट। चलिए नोट करें, फिर इसमें एक चीज और देखते हैं। मिटा रहे हैं भैया, इसमें एक नोट देख लीजिएगा कि समटाइम्स अ सेंटेंस ends on two only on two plus adjective only। कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलते हैं जिसमें टू के बाद एडजेक्टिव पर ही वाक्य समाप्त हो जाता है, तो इसका जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सच अ केस टू इज कन्वर्टेड इंटू ओवर और रादर। तो टू को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, टू की जगह पर या तो ओवर का प्रयोग कर दें या फिर जो है रादर का प्रयोग कर दें। सेंटेंस लिया जाए कि सी इज टू फैट, सी इज टू फैट, वह बेहद मोटी है। आपने ये देखा कि टू के बाद केवल और केवल क्या एडजेक्टिव पर ये वाक्य समाप्त हुआ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या है। सी इज, बोलिए, सी इज ओवर फैट, सी इज ओवर फैट। कभी कभी पुराने इंग्लिश में क्या है, बोलिए, हाँ आप एक्सट्रीम भी कर सकते हैं, सी इज ओवर आर एक्सट्रीम एक्सट्रीमली फैट। अब सेंटेंस लें, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टूडे, आज बेहद गर्मी है, तो इसको आप क्या करेंगे, टू की जगह पर या तो एक्सट्रीमली कर दें, बोलिए, या फिर एक्सट्रीमली की जगह पर क्या कर ले, रादर, ठीक है भैया। आगे बढ़े, कुछ सेंटेंस मैं कहूं, मिटा दूं इसको।
अगर आप सेंटेंस ये लीजिएगा कि माय हार्ट इज टू टू फुल फॉर वर्ड्स, जरा इसको कन्वर्ट करें. Yes, my heart is so full that I cannot express. I cannot express in words. मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता. या ये भी कहा जा सकता है कि मेरा दिल इतना दुखी है जिसका बयान मैं नहीं कर सकता शब्दों के माध्यम से. और ही इज टू प्राउड टू वेप, ही इज टू प्राउड टू वेप. इसको कन्वर्ट कीजिए. बोले भैया, यस ही इज सो प्राउड, राइट, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट बैट. ओके, आगे बढ़ा जाए दूसरे स्टेप के ऊपर. एक ही इज फार स्टूपिड, ही इज फार स्टूपिड फॉर दिस पोस्ट. इसको जरा कन्वर्ट करो. आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि फार की जगह पर टू का प्रयोग क्यों है. तो टू और फार, फार का मतलब इतना ज्यादा जितना कि नहीं, ऐसे ही टू का कभी कभी टू की जगह पर हमको फार भी मिल सकता है. तो सीधे करने हैं कि ही इज, बोलिए वही रूल होगा, सो स्टूपिड. बोलिए ही इज सो स्टूपिड दैट he is not fit, that he is not fit for this post. कोई दिक्कत भैया? नहीं ना? ओके डियर, आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस एक और ले. द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, टू कैरी. द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी. इसको जरा कन्वर्ट कर लें. द बॉक्स इज टू की जगह पर आपने सो लगा दिया, एडजेक्टिव है सो हैवी दैट, yes, that I cannot carry. Okay. तो ये by removal of adverb to का interchange हम लोगों ने देख लिया. अब दूसरे step की बात करते हैं कि by interchanging of
डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। दूसरा स्टेप है बाई इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। और दोस्तों ये तो बात आप जानते होंगे कि डिग्री किसकी होती है, यहां पर कोर्ट की डिग्री की बात नहीं है या किसी मुकदमे में डिग्री की बात नहीं है, बल्कि ये है कि डिग्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो केवल एडजेक्टिव की होगी या फिर एडवर्ब की होगी। ये ध्यान रखिएगा, ओनली एडजेक्टिव और एडवर्ब हैज देयर डिग्री। डिग्री केवल या तो एडवर्ब की होगी या फिर एडजेक्टिव की होगी, यानी क्वालिफायर की होगी या फिर मॉडिफायर की होगी, बाकी और किसी भी चीज की डिग्री नहीं होती है, ना तो नाउन की, प्रोनाउन की, ना वर्ब की और ना ही प्रीपोजिशन की। डिग्री केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है। और वो कितनी डिग्री होती है सभी को मालूम होगा, बहुत आसान सी चीज है। पहला है पॉजिटिव डिग्री, क्या पॉजिटिव, और दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी क्या होती है, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो इसका स्ट्रक्चर डियर नोट कर लेना, नो अदर, नो अदर के बाद हमेशा आएगा नाउन, और इसके बाद वर्ब बी आएगा, बी बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर्ब, फिर सो, सो की जगह पर आप एज भी, एज के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, एज, फिर इसके बाद होगा नाउन। जैसे सेंटेंस देखा जाए, नो अदर मेटल इज एज या सो यूजफुल, एज आई एम। सेंटेंस देखें कि पहले क्या है, नो अदर आया, फिर इसके बाद नाउन क्या है, मेटल, फिर वर्ब बी आया, फिर सो या एज आया, और एडजेक्टिव है क्या, यूजफुल, फिर एज, और नाउन क्या है, ओके भैया, आयरन, राइट। अब अगर कंपैरेटिव की चेंजिंग की जाए तो कंपैरेटिव में होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी, फिर आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्योंकि कंपैरेटिव में ई आर जुड़ता है, फिर इसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर, फिर इसके बाद जो है नाउन। अब पहले वाले सेंटेंस को ही आप कन्वर्ट करें तो क्या होगा,
बोलिए आयरन इज, बोलिए आयरन इज मोर यूजफुल, वेरी गुड, मोर यूजफुल देन एनी अदर, बहुत अच्छी बात है, देन एनी अदर मेटल, ठीक। सुपरलेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, और इसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, क्योंकि जनरली ये आम चीज होती है कि ईएसडी जुड़ा रहता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री शो करना होता है। फिर नाउ, अब जरा इसी को देख लिया जाए। पहले सेंटेंस को आयरन इज, आयरन इज, बोलिए मोस्ट यूजफुल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, ओके भैया। तो ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। नोट कर लिया हूं तो मैं कुछ सेंटेंस दो, ओके। मैं दो तीन सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर इसके बाद आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा। No other, border, in the team, in the team 11, is so fast, एज करीम। सेंटेंस किसमें है? ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको जो है आपको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें। यस करीम is faster, faster bowler, faster bowler, बोलिए हाँ, in the team, than any other bowler, अब than any other bowler in the field. Okay. अब जरा एक सेंटेंस और मैं आपको
Indians are more lazy than Nepalese. इसको जरा कन्वर्ट करें, इंडियंस आर मोर लेजी देन नेपालीज, भारतीय लोग नेपालियों की अपेक्षा ज्यादा लेजी होते हैं। इसको जो है आप कन्वर्ट, भाई सीधी सी बात कर लो, इंडियंस आर नेपालीज आर नॉट सो लेजी एज इंडियंस आर। ठीक है भैया, नोट करें फिर एक सेंटेंस और दें। दूसरा सेंटेंस भी, द क्लाइमेट ऑफ शिमला is more salubrious than Bhopal. सेंटेंस जरा ये बताइए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। The climate of Shimla is more salubrious than Bhopal. Salubrious कहते हैं स्वास्थ्य वर्धक को, स्वास्थ्य प्रद को। सेंटेंस सही है कि गलत है आप जरा फिर से एक बार सोचें। सेंटेंस बिल्कुल गलत है, किसने कहा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहां पर क्लाइमेट आप शिमला की तुलना की जा रही है और सेंटेंस में तुलना किससे हो गई? भोपाल शहर की। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत हो गया, जबकि क्लाइमेट की तुलना, शिमला के क्लाइमेट की तुलना भोपाल के क्लाइमेट की तुलना से होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज मोर सैल्यूबियस देन then the climate of Bhopal, चाहे कहें then the climate of Bhopal, या फिर अगर आप repetition से बचना चाहते हैं तो the climate of Shimla is more salubrious than that of Bhopal। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को भैया? आज इसके ऊपर टेस्ट भी होगा। टाइम कितना हो गया? सात मिनट बचे हैं। बच गए, सात बच गए हैं।
तो इसमें डियर जो है दो स्टेप और हैं, एक तो फ्यू है और वन ऑफ द सुपरलेटिव जिसकी चर्चा कल हो जाएगी, आज इतना ही। और हाँ, फिर आज 40 क्वेश्चन आपको एलिजाबेथन राइडर पार्ट 2 पर क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे। कल मिलते हैं।